एवरीवन, वेलकम टू एमटी नेटवर्क सॉल्यूशन। तो आज हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं RL8 का 4 पोर्ट ईपॉन ओएलटी है, जिसमें बीएसएनएल लाइन को कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है विंडो आर करके ncpa.cpl टाइप करेंगे, लोकल एरिया कनेक्शन में आईपी ऐड करेंगे, प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना है, TCP/IP वर्जन 4 पे जाना है, यूज फ्लोइंग आईपी ओएलटी सीरीज की आईपी यहाँ पे डालना है। सो 192.168.77.11 ओएलटी की जो आईपी है वो 77.254 है, देन ओके करेंगे। ओके करने के बाद क्लोज करेंगे, ब्राउजर ओपन करना है, यहाँ पे टाइप करना ओएलटी की आईपी 192.168.77.254। ओके, तो इस तरह ओएलटी का लॉगिन पेज ओपन होगा। उसके बाद डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन सेट करना है। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करना है। तो इस तरह जो है लॉगिन हो जाएगा आपका RLTech का जो ओएलटी है 4 पोर्ट को। और हमें जो BSNL एंड से जो ये सारे डिटेल्स प्रोवाइड हुआ है, आईपी एड्रेस, VLAN, मैनेजमेंट VLAN और कस्टमर VLAN, तो इसमें एक चीज आपको ध्यान देना है कि सारे VLAN टैग हो गए, जिस पोर्ट जिस पे आपका इनपुट आ रहा है, जिस पोर्ट पे और जिस पोर्ट से आप आउटपुट करेंगे, सारे पोर्ट आपका टैग होने चाहिए। ओके, तो हमने GE1 पे अपलिंक दिया है और PON1, PON2, PON3 हमारा आउटपुट रहेगा। तो सबसे पहले VLAN पे क्लिक करेंगे, VLAN डालना है, मैनेजमेंट VLAN 119 ऐड करेंगे, ऐड हो गया। उसके बाद आप VLAN देखिए 3250 है, 3250 ऐड करना है। उसके बाद कस्टमर VLAN 128 to 500, अब एक ही बार में यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं 128-500, तो ये एक बार में सारे VLAN आपका क्रिएट हो जाएगा। ओके, इस तरह क्रिएट हो गया। उसके बाद टेलीफोन के लिए दो VLAN है, 1830 and 1841, जो कि BSNL प्रोवाइड किया है, तो दोनों VLAN हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 1849। हो गया सारे VLAN ऐड। अब उसके बाद इस VLAN को हमें टैग करना है, तो VLAN पे हमने VLAN ऐड किया VLAN कॉन्फ़िगरेशन में। उसके बाद पोर्ट बेस्ड VLAN, यहाँ पे टैग अनटैग मोड का ऑप्शन आएगा। ओके, तो सबसे पहले आप जो है पोर्ट सेलेक्ट कर लीजिए, PON1, PON3, PON4 एंड GE1 पे हमारा इनपुट है, ये चार आउटपुट है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो ये बाय डिफॉल्ट अभी एक्सेस है, तो इसको हमें जो है हाइब्रिड में कर लेता हूँ, इनकेस अगर आप इसमें दूसरा ISP भी यूज करेंगे तो आपका सारे VLAN पास करना हो जाएगा। एक्सेस मोड में ओनली 1 VLAN पास करेगा आपका अनटाइम। ओके, उसके बाद मॉडिफाई करना है, ये मोड आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइब्रिड हो गया। उसके बाद दोबारा हमें इस पे क्लिक करना है एंड देन VLAN ऐड करेंगे, अलाउड VLAN, दैट इज यहाँ पे इनग्रेस टैग इनेबल है, दैट मींस ये टैग हो गया यहाँ पे। तो VLAN जो प्रोवाइड हुआ था हमें 119 मैनेजमेंट VLAN है, 128 से 500 ये आपका कस्टमर VLAN है, और आउटर VLAN 3250, वॉइस VLAN 1830 ऐड करेंगे। 1849 बाद में दोबारा से ऐड करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस वो नहीं है, मैक्सिमम जो है VLAN कैपेसिटी वो ऑलरेडी फुल हो गया है। ओके, फिर दोबारा से इसको सेलेक्ट करना है। जो रिमेनिंग बचा हुआ था VLAN वो भी हम ऐड कर देते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको ये मेजर ध्यान रखना है कि सारे PON पोर्ट टैग होंगे, PON पोर्ट और इनपुट पोर्ट। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो VLAN ऐड हो गया है, तो इस तरह VLAN जो है आप इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। दूसरा एक आता है
SNMP और टेलनेट जो कि तीव्र एप्लीकेशन के लिए है वो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। तो SNMP पे क्लिक करना है, ग्रुप मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, ग्रुप नेम पब्लिक, RO सेलेक्ट करेंगे, ऐड पे क्लिक करना है, ये ऐड हो गया पब्लिक। उसके बाद सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन मैनेजमेंट पे क्लिक करना है, टेलनेट ऊपर जो है बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं हमें करना है, आईपी वर्जन 4 टेलनेट सोर्स आईपी जो टेलनेट की आईपी 10.35.9.0 एंड आईपी मास्क 255.255.255.0 परमिट पे क्लिक करना है, ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अब दोबारा SNMP सेलेक्ट करना है। टेलनेट ऐड होने के बाद SNMP का जो IP एड्रेस है 172.30.6.0 एंड गेट सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.255.0 एंड परमिट पे क्लिक करना है, ऐड करना, सेम प्रोसेस रहेगा। तो SNMP के लिए जो प्रोवाइड हुआ है दो IP बेसिकली BSNL प्रोवाइड करते हैं, तो एक और IP हमें SNMP में ऐड करनी है 172.30.22.0 एंड IP मास्क दैट इज सबनेट 255.255.255.128 हो जाएगा इसमें, ओके, एंड परमिट पे क्लिक करेंगे, देन ऐड करेंगे। सारा कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आपको सेव करना है, अदरवाइज ये कॉन्फ़िगरेशन ऑल्टी रिबूट होने के बाद रिमूव हो जाएगा। ओके, हमने सेव कर दिया। तो इस तरह जो है आप BBNL या BSNL की लाइन जो है कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इस ओल्टी में। ओके, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए थैंक यू सर।